कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे एंड अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो आज जो है मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा ठंडियों वाला एक रेसिपी, स्वीट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी दादी की भी फेवरेट रेसिपी है, हम सबकी है। बचपन में मैं उतना नहीं खाती थी और मुझे स्कूल के लंच बॉक्स में वो देती थी, क्योंकि पहले तो चॉकलेट वॉकलेट चलता नहीं था। लड्डू हुआ, पार्ले जी हुआ, मिठाई हुआ, घर का यही स्वीट में दिया जाता था। तो जैसे खानों के टिफिन्स में रख देती थी, तो मैं जाकर दूसरे को दे देती थी, नहीं खाती थी। लेकिन धीरे 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 मुझे भी अच्छा लगने लगा वो। तो ये मेरे दादी का स्पेशल है, और ठंडियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मतलब हर तरीके से ये बिल्कुल सही रेसिपी है। इस टाइम में खासकर सर्दियों में ये ज़्यादा खाए जाते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने राम को सुलाया है, कृष्ण भी अपना, राम पहला नैप ले रहा है, कृष्ण भी नहीं सो रहा है, तो कृष्ण खेल रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे घर पे ही हैं। स्विमिंग को जस्ट अभी मैं, प्रियंका को अभी जस्ट मैं स्विमिंग छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि प्रियंका ने कल मूव कर लिया है नेक्स्ट लेवल। तो उसका जो है फ्राइडेज के बाद से अब सैटरडे को हो गया है, आज सैटरडे, और अभी मैं उसको छोड़ कर आई हूँ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ वीडियो को लॉन्ग करते हुए। चलिए, तो स्वीट मिठाई में यूज़ करने के लिए मैंने जो चीज़ें लिया है वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने गोंद लिया है, और ये बड़े साइज़ का गोंद है। ये मैंने एक कटोरी लिया है, आई थिंक 100 ग्राम के करीब होगा ये। और ये है पोस्ता का दाना, मेरी दादी पोस्ता का दाना बोलती थी, पॉपी सीड बोलते हैं यहाँ पे, और खसखस भी बोलते हैं। और ये है मेलन सीड, खरबूजे का बिया। कोकोनट लिया है मैंने, कद्दूकस कर लिया है, मेरे पास कोकोनट खड़ा भी था और पिसा हुआ भी था, बट मैंने ऐसा लिया है, मुझे कद्दूकस किया हुआ कोकोनट यूज़ करना मिठाई में अच्छा लगता है, तो मेरे पास ये था, मैं ये यूज़ कर ली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास पिसा हुआ गरी हो, कोकोनट हो, डेसिकेटेड हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये मैंने लिया है, काजू है, बादाम है, किशमिश है और मखाना है। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये भी आपको जो अच्छा लगता हो आप वो यूज़ करिए इसमें। अगर ये चीज़ें, किसी चीज़ से किसी को एलर्जी भी होती है, अगर नहीं एलर्जी हो, अगर ऐसा नहीं आप सूटेबल हो, तो ना यूज़ करें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को, तो हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हेल्दी सा मिठाई। तो यहाँ मैंने एक वोक चढ़ाया है, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। ये चम्मच जो लाटे चम्मच स्पून होता है वो है ये, तो मुझे मालूम है, मैंने उसी हिसाब से डाला है ये। तो 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं लगभग, और घी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें मैंने ये जो हमारा गोंद था वो गोंद डाल दिया है। डालते ही ये एकदम फूलना शुरू होता है, जैसे होता नहीं है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की तरह ये फूल जाता है। और बस इसको मैं निकाल लूँगी इसी तरीके से। मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे मेरे बड़े वाले हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही भूनना चाहिए, आपके पतले हों, महीन हों, तो भी थोड़ा ही भूनना चाहिए, एक साथ नहीं डालना चाहिए। डिपेंड करता है आपने गोंद कितना लिया है। तो मैंने गोंद जो है 2 बैच में भुना है। उसके बाद ये सारे जो है ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, इसको भी भून लेंगे। भुनने से क्या होता है कि इसकी जो अपनी शेल्फ लाइफ है, स्टोर करने की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, वरना जल्दी ये ख़राब नहीं होता, वरना जल्दी से ख़राब हो जाएगा फिर। तो भून लेने से टेस्ट भी अच्छा आता है, और कुछ दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने किशमिश भी यहाँ पे भून लिया है। किशमिश को ज़्यादा नहीं भुना है, बस इतना ही भुना है कि हल्का सा वो उसका जो कच्चापन होता है वो मर जाए, बस वो भी निकाल लिया है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे मखाना डाला है, क्योंकि मखाना जो है ना, डालते ही घी सारा जो है, ऑयल हो या घी हो, सोक कर लेता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ हो,
तो सबसे लास्ट में ही डालना चाहिए मखाना, सबसे पहले आप तल के निकाल लीजिए। उसके बाद फिर ये खरबूजे का जो बीज था ये भी, ये इसमें अब देखिए मैंने कोई घी नहीं डाला है, जो भी उसमें मोश ये है ना ग्रीसी उसी में मैं इसको भून लूँगी। कोकोनट में भी मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ये तो सेल्फ ऑयल ऐसे ही होता है, तो इसको भी बस थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इस ना तो इसमें ऑयल है ना, इसके बाद मैंने घी किसी में नहीं डाला है, बस घी हमने यही डाला है, जो भी हमने यूज़ किया था घी हमने यही यूज़ किया है। फिर वही थोड़ा सा मैंने जब आटा को भुना है तब मैंने घी यूज़ किया है। तो बस ये जो हमारा खसखस है ये भी हम ऐसे ही इसको रोस्ट कर लेंगे और हल्की सी इसमें अरोमा उठने लगेगी, बस इसको निकाल लेंगे। जलाना कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, बस हल्का हल्का सब रोस्ट ही करना है। फिर मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें वोक चढ़ा के और इसको थोड़ा क्लीन कर लिया है, और उसके बाद 2 बड़े चम्मच मैंने और घी डाले हैं इसी से, बस इसके बाद मैंने कोई घी यूज़ नहीं किया है। अब यही इतना था क्योंकि आटा को भुनना है इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा हेल्दी में भी बना रही हूँ। आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपको खाना हो, थोड़ा इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैंने और नहीं लिया है। और फिर ये 2 कप के करीब मैंने आटा लिया है, 2 कप आटा ही करीब नहीं है, 2 कप आटा मैंने एग्जैक्टली लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक ये मैंने भून लिया है और हल्की हल्की इसमें अरोमा खुशबू उठने लगी है। और ये आपको मैं दिखा रही थी कि गिरा भी होगा तो मैस भी हुआ है, बिकॉज़ प्रियंका ने बोला मम्मा मुझे जो है थोड़ा सा इसको चलाना है, तो शौक लगता है ना अभी बच्चों को, तो वही गिर गया थोड़ा सा, कोई नहीं क्लीन कर लेंगे। उसके बाद ये जो सारा भुना हुआ ये जो गूंद था, ये चाहें तो आप पोटैटो मेशर से आप इसको इसको हल्का हल्का सा दबा दबा के दरदरा कर लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। और अगर आपके पास मिक्सी है तो बस चलाइए, एक बार चलाइए और फिर बंद कर दीजिए, चलाइए फिर बंद कर दीजिए, दरदरा ही बनेगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पोटैटो मेशर तो नहीं यूज़ किया, मैंने ये जो हमारा मैनुअल चॉपर था मैंने इसी में सब चॉप किया है। तो ये जिसमें मैं लहसुन प्याज नहीं यूज़ करती हूँ ये वो वाला है, क्योंकि अब बनेगा तो भगवान को भी भोग ही लगेगा ना। तो मैंने ये सारा जो ड्राई फ्रूट है वो भी इस तरीके से डालने पे जो लड्डू में टेस्ट होता है ना, इसका जो क्रंची पना होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसमें टेस्ट जो आता है इस तरीके से अगर बनाएंगे तो देखेंगे उसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा लगता है लड्डू में, अलग अलग से जब वो दांत के नीचे पड़ता है ना खाने में तो अच्छा लगता है। और अगर आप जैसे बड़े बुजुर्ग हों उनके दांत ना हो तो आप एकदम से सब पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली लड्डू वगैरह मैं बनाती हूँ डालती हूँ बच्चों की वजह से, बट मुझे मालूम है कि शिवांश तो नहीं खाएगा, एक भी नहीं खाया उसने। तो उसके बाद फिर यहाँ मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो गुड़ में नहीं चीनी में बना सकते हैं, मैंने गुड़ में बनाया है इसको। तो मेरे पास इतना गुड़ रखा हुआ था, इसको मैंने बहुत सॉफ्ट गुड़ है ये, तो मैंने चाकू से इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है, ये देखिए बहुत देसी गुड़ ये था। उसके बाद उसी वॉक में मैंने ये गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया है, अभी ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, और जब ये एक उबाल आए ना उसके बाद फिर गैस बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा इसको चाशनी मतलब बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, नहीं तो तुरंत ये बहुत ठोस हो जाएगा, फिर लड्डू बहुत ही ठोस बनेगा। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, जैसे ही वो घुला और एक उबाल आया बस बंद कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा आटा है वो अब मैं डालूँगी, ये पहले थोड़ा सा डालूँगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि जो बेस है इसका अच्छे से ये कंबाइंड हो जाए, अदरवाइज़ फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको मिक्स करने में। और तुरंत ये क्योंकि गुड़ का जो अपना स्वभाव होता है वो तुरंत ही सूखना शुरू कर देता है, तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। तो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भी, सॉरी मुझे खांसी भी आ रही है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं और
जो भी मैंने भून के रखे थे, थोड़ा सा मैंने इलायची डाला है। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालें, मन हो तो ना डालें। बस ये यह देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स किया है। अब जल्दी जल्दी मैं लड्डू बना दूँगी। अभी गर्म है तो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि हाथ जला लें, लेकिन संभाल के बनाएं। और अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती हो तो हाथ में हल्का सा पानी लगा लें, ताकि आपको स्किन में इतना गरम गरम ना लगे। बस ये देखिए, आप चाहें तो शुगर का यूज़ कर सकते हैं, मैंने शुगर का यूज़ नहीं किया है, हेल्दी वे में बनाया है। जैसा कि मैंने बताया तो मैंने गुड़ मिलाया है, मेरी दादी तो शुगर का यूज़ करती थी। और ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। और ऐसे ही बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो आई होप आपको ये वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। आज के वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बस ये छोटी सी रेसिपी मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको सेपरेट ही से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का अगर ये गोंद का लड्डू आपको पसंद आया हो, इसकी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आपको जो भी मेरी दादी वाली रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर इस वीडियो को करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।